वंदे भारत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपको नहीं पता होगी। ये ट्रेन कितनी एडवांस है और इसमें क्या क्या कमी है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आपको पता है आने वाले 3 सालों में सरकार 400 नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अभी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनमें सोने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आने वाले टाइम में जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होंगी वो स्लीपर होंगी। अभी इन ट्रेनों को 160 से 180 की रफ्तार से चलाया जा रहा है। आने वाले टाइम में इन्हें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने का प्लान किया जा रहा है। वंदे भारत की पहली ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी। क्या आप जानते हैं वंदे भारत को बनाने में चेन्नई की कंपनियों को सिर्फ 18 महीनों का समय लगा था। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है, मतलब यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी है। वंदे भारत इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी सीटों को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। इस ट्रेन को 100 करोड़ के बजट से तैयार किया गया है, जिसमें 16 डिब्बे हैं जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ सकते हैं। क्या आपको पता है शताब्दी एक्सप्रेस की जगह इस ट्रेन को रिप्लेस भी किया जा रहा है। देश में अभी तक 5 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। वंदे भारत को भारत के लोग बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। शायद आने वाले टाइम में आपको भारत की पटरियों पर ऐसी ही एडवांस ट्रेन देखने को मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेल मंत्रालय ने 200 नई वंदे भारत ट्रेन का टेंडर जारी कर दिया है। इसमें करीब 26,000 करोड़ रुपयों का खर्च होगा। आने वाले 2 से 3 सालों में आपको 200 से 400 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन इंडियन रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन ट्रेनों को टूटने से बचाना भी है, क्योंकि आए दिन ऐसे केस सामने आने लगे हैं जिसमें ट्रेन टकराने से टूट जा रही है। आखिर वंदे भारत को इतने नुकसान का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसका सीधा सा कारण है इसके एडवांस डिजाइन वाली एल्यूमिनियम की बॉडी, जो भारी टक्कर को सहन नहीं कर पाती है। आने वाले टाइम में शायद रेल मंत्रालय इसका समाधान निकाल ले। फिलहाल ऐसी ही वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।